हेलो एवरीवन जय श्री कृष्णा ये वीडियो मैंने बनाया है हेयर डोनेशन के ऊपर आ एक्चुअली दिस इज़ माय फर्स्ट वीडियो और ये वीडियो भी काफ़ी पुराना है फोटीन फाइव को मैंने हेयर डोनेशन किया था यहाँ मैं इतनी कन्फ्यूज़ हूँ कि ओ माय गॉड कैसा लगेगा मेरे फेस के ऊपर और सबसे ज़्यादा डर मुझे लग रहा था मेरे मॉम का क्योंकि मैंने मेरी फैमिली में किसी को नहीं बताया था कि मैं हेयर डोनेशन के लिए जा रही हूँ एक्सेप्ट माई हस्बैंड तो लेट्स सी लुक एट माय फेस इतना कंफ्यूजन जितना डर लग रहा था ना अंदर से मेरी माँ का कि जैसे ही पता चले <laughs> दस बारह गोलियाँ फ़ोन में से निकल के मेरे को लगेगी होता है ना हम लोग की मदर्स का अरे लॉन्ग हेयर्स बहुत अच्छे लगता है एक्चुअली मुझे हेयर डोनेशन के बाद काफ़ी लोगों ने टोका भी मेरे माइक साइड में एंड इन लॉज में भी बट जब मैंने उनको एक रीज़न बताया कि मेरा क्यों मैंने हेयर कट करा क्योंकि मैंने मेरी लाइफ में कभी शॉर्ट हेयर नहीं रखे दिस इज़ फर्स्ट टाइम मेरी लाइफ में कि मैं इतना शॉर्ट हेयर्स रख रही इतने लॉन्ग लॉन्ग हेयर्स रखने वाले लड़की को कोई सडन देखेगा कि अरे इतने शॉर्ट हेयर्स कैसे हो गए तो डेफिनेटली वो क्वेश्चन पूछने ही वाला है और काफ़ी सारे लो, लोगों को मेरे लॉन्ग हेयर्स बहुत अच्छे लगते थे आई होप उन्हें शॉर्ट हेयर्स भी अच्छे लगते हो तो उन लोगों ने मुझे काफ़ी बार पूछा कि अरे क्यों और जब मैंने अपने व्हाट्सएप पे ये स्मॉल शॉर्ट बना के वीडियो डाला था तो मुझे इतने अरे वाई यू कट योर हेयर्स इतने प्रिटी हेयर्स कौन कट कराता है बट जब मैंने उनको एक जैन रीज़न बताया कि मुझे ये करना था एंड uh, मुझे कैंसर पेशेंट्स के लिए वेक बनाने के लिए ये देना था कि जो ऑर्गेनाइजेशन uh, है वो फ्री ऑफ कॉस्ट कैंसर पेशेंट्स को वेक बना के देंगे तो मुझे वॉतेट लगा कि ओके अगर हम अपनी सोसाइटी के लिए पॉइंट वन परसेंट भी कुछ कर सकते हैं जिस पेन से वो लोग गुजर रहे ना हम शायद वो फील नहीं कर सकते और भगवान ना करे किसी को कि फ़ील करना पड़े कभी वो पेन बट स्टिल इट्स अ रियलिटी तो यहाँ मेरे हेअर्स ड्राई हो रहे हैं और मेरे साथ में मेरी डॉटर है फोर इयर्स की जो बैठी हुई थी वहाँ पर एंड शी वॉज़ वेटिंग फॉर हर टर्न मम्मा मेरा टर्न कब आएगा आई यू नो वॉट लोग क्या कहते हैं क्या नहीं कहेंगे दैट इज़ डिफरेंट पार्ट बट मेरी डॉटर है जब मुझे बोला ना वाह मम्मा यू लुकिंग सो प्रिटी दैट वॉज अ बेस्ट पार्ट कि फ़र्क नहीं पड़ता कि आपको लोग क्या कहेंगे अगर आपने कुछ अच्छा सोच के कुछ अच्छा काम किया है तो फिर आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है आप कैसे लग रहे हो कैसे नहीं लगे रहे इट मैटर खुश रहो अपने साथ साथ लोगों को भी खुश रखो हैप्पीनेस बांटोगे तो हैप्पीनेस आपको भी मिलेगी एंड आई विश जितने भी कैंसर पेशेंट्स हैं उन लोगों को भगवान ताकत दे सके इतना पेन एंड ऑल बेयर करने के लिए और उनकी फैमिली मेम्बर्स को भी सो थैंक यू सी सून Please like, subscribe, and comment below. Bye bye. Jashi Krishna.